अभया या नावाचं शूटिंग, फिल्मचं शूटिंग चाललंय, मराठी फिल्म आहे. आणि मुख्य म्हणजे मराठी फिल्मचे डायरेक्टर पण युसुफ भाई आहे आणि मिश्राजी विमल मिश्राजी आणि विमल माथुर असे प्रोड्युसर आहेत. तर सांगण्याचा उद्देश असा की मराठी सोडून सगळेच वेगळ्या भाषेत लोक आहेत, परंतु ही गोष्ट खूप चांगली आहे आणि मुख्य म्हणजे कलाकार चांगले. मला गोष्ट आवडली, माझा रोल पण आवडला. माझा रोल पुढाऱ्याचा आहे, अर्थात हे सांगणं चुकीचं आहे कारण नेगेटिव्ह कॅरेक्टर आहे असं, म्हणजे त्याला ग्रे शेड आहे, परंतु मला ते करायला खूप आनंद वाटतो. याचं कारण आजपर्यंत परंपरा आहे माझी नेगेटिव्ह रोल करण्याची, त्यामुळे मला ही फिल्म करावीशी वाटली आणि त्यामुळे आज हेच शूटिंग झालं. आज सीन असं झालं की चार पाच सीन दिले. हिंदी ओके. तर सांगण्याचा उद्देश असं की आज जे सीन केलेत ते बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे केलेत, वेगळ्या मूड मध्ये केलेत आणि सीन चांगले झाले असं वाटतंय. दिग्दर्शकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसतो मला आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांनी याला प्रसिद्धी द्यावी. आणि चांगला फिल्म आहे अभया, ही लवकरच रिलीज होईल सगळ्या महाराष्ट्रभर. आणि आमचे प्रोड्युसर पण खूप मोठे आहेत, म्हणजे ते ओ टी टी करतायत, स्क्रीन करतायत. आता ओ टी टी विषयी जास्त काही माहीत नाही कारण मी कामच केलेलं नाही ओ टी टीमध्ये. एकच फिल्म केली काहीतरी, वेबसिरीज केली की मंगलयान अशी काहीतरी होती नेटफ्लिक्स हो, त्यामुळे मला फारसं काही त्यातली माहिती नाही. पण ही फिल्म जरूर बघण्यासारखी आहे आणि तुम्ही नक्की बघा सगळेजण. थँक्यू. For us, it's a big honor to have Simran ji along with us. As you are aware, I'm from 1995, I'm in this industry. I've produced several Hindi movies and Telugu movies also. Maybe this is my first experience in a Marathi film. So, I'm very happy that Mr. Rupesh is helping me to achieve this goal. Of course, Simran ji is doing a fantastic job. And Mohan ji has done a really brilliant job in this movie. I wish everybody very, very good. And thank you very much. Yeah, basically, yeah, this is our second schedule. First schedule हम लोग का पहले, जैसे आप लोग पहले आए थे second schedule में. Second schedule में Mohan ji ने मतलब आके पूरा एक बोलते हैं ना चार चांद लगा दिया हमारे फिल्म को. सर को हम लोग पुणे जाके convince करके लेके आए. मतलब वी आर ग्रेटफुल दैट मोहन जी हैज जॉइंड अवर टीम एंड डिड दिस वंडरफुल जॉब. वी आर सो थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग द अभया टीम. बाकी जल्दी है हम लोग सेकेंड शेड्यूल खत्म करेंगे तो विल बी लाइक बहुत जल्दी फिल्म कंप्लीट भी करके रिलीज करेंगे. यूसुफ एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छा काम किया, कैमरामैन हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ऑलवेज विमल जी सपोर्ट टू डू गुड project and I think the entire team is very, very good. Thank you. I think so aap aise director ki film aap kar rahe hai right film kar rahe hai sabse big on this film is ye ki ek shakti se chal rahi hai. Pehle to ye kaha ki ye marathi film aur jo humne bana rahe aap hai ye bahut hi different subject hai, abhi tak aise marathi film aapne dekhi nahi hogi and ye bahut hi thriller hai jo marathi mein akshar thriller film bahut kam banti hai. बट अगर नया सब्जेक्ट लेकर आया है, कुछ नया सोच लेकर आया है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही हटके अब तक मराठी में सब्जेक्ट नहीं आया था तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखोगे. सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और जैसे रुपेश जी ने कहा कि हम ये कैरेक्टर के लिए कौन सर को ही चाहते थे क्योंकि इस एज में इस लेवल के एक्टर मिलना बहुत मुश्किल है. अब इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्टर नहीं है और जितने सीनियर और जो अच्छा काम मोहन सर कर सकते हैं तो ये कैरेक्टर में बहुत फिट थे. हमने इसको कन्विंस किया, हालांकि इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं करते, एंजॉयिंग इज फार्म हाउस एंड डिनर इन पुणे, बट हमने इनको कन्विंस किया कि साहब को करना है तो ये मना नहीं कर पाए और स्पेशली मुंबई आए और शूट किया है हमारे साथ. तो आगे मैं वेरी थैंकफुल टू मोहन सर कि इनको डायरेक्ट करना एक हॉनर है, बहुत बड़ी बात है हर डायरेक्टर के लिए. मैं इतना ही कहूँगा और इसमें स्टारकास्ट बहुत अच्छा है, कमलेश सावंत है, गणेश यादव है,
मोहन जोशी सर आ गए तो उसका स्टाफ का बहुत अच्छा, स्टोरी बहुत अच्छी है और मराठी में अब तक ऐसी स्टोरी आपने देखी नहीं होगी। तो मराठी में थ्रिलर नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं, अक्सर सैराट देखी होगी, इमोशनल स्टोरी देखी होगी, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। हाँ, इसको डबिंग होगी हिंदी में, तमिल और तेलुगु। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जस्ट इतना ही बोलना चाहूँगा एंड थैंक यू टू माय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, बिकॉज मुझे जो ग्राउंड स्टाफ या फिर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और एक यूपी को उससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई होप सो एंड इट्स वेरी गुड फॉर मी टू, बिकॉज मेरा कैरियर स्टार्ट किया था मैंने मराठी फिल्म से और पहली मराठी फिल्म में मुझे अवार्ड मिला था। मेरी सक्सेस जर्नी जो है मराठी फिल्म से शुरू हुई और आज मैं मोहन सर के साथ वापस जो है 11 टू 12 ईयर्स वापस बात कर रहा हूँ एंड इट्स सच ए प्लेजर टू बी वर्किंग विद ऑलवेज एंड जो हमारे इस टीम के साथ में जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तो बाकी सबसे शेयर कर लीजिए सेम टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर बिकॉज आपको गाय इसके लिए थैंक यू सो मच। सर आप यहाँ पे सीनियर मोस्ट है, आप काफ़ी फिल्में कर चुके हैं हिंदी मराठी, अभी ऐसा कुछ लगता है आपको कि कोई फिल्में या किसी किसी तरह की फिल्म आपको करनी है, कुछ मन में इच्छा है कि इस तरह की फिल्म? मेरी कोई इच्छा नहीं है सब सब तो <भी। laughs> और सर ने कहा आप टोटली सेटिस्फाई हैं बोर में, तो फिल्में और ऐसा मन नहीं है आपको करने का कि आप सोचते हैं? आपको अभी थक गया हूँ मैं 72 ईयर्स ओल्ड, तो अभी फिलहाल मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ये फिल्म कर रहा हूँ इनकी वजह से कि अच्छी कहानी है, अच्छा रोल है। आज का सीन सर का इंट्रोडक्शन सीन है, सबसे पहली बात पूरी जो फिल्म का जो मेन प्लॉट है वो इसी ट्रैक के ऊपर है और वही ट्रैक हम लोग आज शूट कर रहे हैं, इतना ही है बस, यही मेन ट्रैक है जिसकी वजह से पूरी फिल्म के ऊपर पूरी फिल्म का पूरा ट्रैक उसी ऊपर है। बहुत से ज्यादा अभी ये देखने को मिला है कि स्क्रीन काफी मिलती है मराठी फिल्मों को भी हिंदी मार्केट में, जो पहले इतनी मिलती नहीं थी, फिल्में चलती की है और कई कई हफ्ते चलती है, तो क्या एक बहुत बड़ा प्रवास मराठी फिल्मों ने तय किया है हिंदी मार्केट में और क्या अच्छा प्रवास किया है और पॉजिटिव हो मराठी में? कभी फिल्म आ सकती है उस बारे में आप? अभी और थोड़ा शूटिंग बाकी है, अभी हम लोगों ने 30-40% कंप्लीट किया है, वी स्टिल हैव टू गो 1-2 शेड्यूल्स मोर, आई थिंक 2 महीना और लगेगा शूटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।